हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं टी फ्लिप फ्लॉप। इसके पहले हमने डिस्कस किया था जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप का एक छोटा सा पार्ट है, वहीं से निकाल लिया गया है। जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज था, इसमें 0 और 1 दो पॉसिबिलिटीज को निकाल लिया गया है। 0 फर्स्ट हमारा जो 0 था वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी था एंड 1 लास्ट पॉसिबिलिटी था। तो 0 में क्या आता था, नो चेंज, एंड 1 में आता था टगल मोड। तो ये टगल मोड को निकाल लिया गया है। यहाँ से हम काउंटर भी बना सकते हैं, जैसे हमने 4-bit का काउंटर बनाया था यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखिए जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या चेंज कर देते हैं कि ये टी फ्लिप फ्लॉप हो जाता है। कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, केवल इन दोनों को कनेक्ट करके एक पॉइंट बना देना है और इसको एक इनपुट दे देना है टी। तो यहाँ पर हमने इसको बना दिया टी फ्लिप फ्लॉप। अब इसका नाम हो गया टी फ्लिप फ्लॉप, पहले क्या था, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो टी फ्लिप फ्लॉप का हमें ट्रुथ टेबल देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है टी इक्वल टू 0। तो टी इक्वल टू 0 पर देखिए क्या होगा, अगर एक भी क्या हो गया, अगर एक भी 0 आ गया, किसमें, नैंड गेट का हमने ट्रुथ टेबल बना रखा है। अगर नैंड गेट में एक भी 0 हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 1। क्लॉक यहाँ पर 1 है, लेकिन किसी को देखने का ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पास टी इक्वल टू 0 आ गया तो ये इनपुट और ये इनपुट कुछ भी हो तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 1 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये इसमें हम प्रीवियस इनपुट कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। हमारा इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा एक इनपुट हमें 0 मिल गया है। तो एक इनपुट अगर 0 मिल गया तो ये कन्फर्म है आउटपुट 1 ही आना है नैंड गेट का। तो यहाँ क्यू इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, क्यू एन प्लस 1 क्या आएगा, 1 इंटू क्यू एन बार का होल बार। तो 1 इंटू क्यू एन क्या हो गया, क्यू एन होल बार इक्वल टू क्यू एन, ये क्यू एन यहां से आ गया, क्यू एन प्लस 1 का होल बार, ये क्या आएगा, 1 इंटू Q1 का होल बार। तो ये क्या आ गया, Qn बार, मतलब ये Qn आया, ये Qn बार आया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हम मान ले रहे हैं इसकी प्रीवियस वैल्यू हमें पता नहीं है क्या था, तो अनडिफाइंड हो गया। तो यहाँ पर Qn आया, Qn आया मतलब नो चेंज। तो यहाँ पर क्या आया, Qn, तो ये हो गया नो चेंज। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, सेकेंड कंडीशन क्या है, टी इक्वल टू 1। तो टी इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब देखिए 2 1 हमारे पास हैं और थर्ड क्या है, थर्ड है Qn बार। तो 1 इंटू Qn बार का होल बार, तो क्या आ जाएगा, Qn का डबल बार। तो यहाँ पर आ गया Qn, ऐसे यहां देखिए 1 इंटू 1 एक सिग्नल यहां से आएगा Qn, तो 1 इंटू Qn का होल बार। तो यहां पर क्या आ गया, Qn बार, ये कंडीशन आ रहा है हमारे पास। अब यहां से हम Qn देखेंगे तो Qn प्लस 1 इक्वल टू Qn प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Qn इंटू Qn बार। तो हो गया Qn इंटू Qn बार का होल बार, तो ये हो गया 0 का बार इक्वल टू 1, यहाँ से आ गया 1। एंड Qn प्लस 1 का बार क्या आएगा, ये आएगा Qn बार, यहाँ से Qn बार इंटू Qn का होल बार। तो ये भी हो गया 0 का बार इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए 1 एंड 1 दोनों आ रहा है। तो अगर हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो प्रीवियस वैल्यू था वो ये इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से क्या आएगा, 1, तो 1 इंटू 0 क्या आ जाएगा, यहाँ 1। तो जैसे ही यहाँ 1 आया, 1 और इसका प्रीवियस वैल्यू 0, ये यहाँ से 0 आ रहा है, तो 0 एंड 1 फिर क्या आ जाएगा, ये 1। तो जैसे हमने पिछले वाले में समझाया था टगल मोड यहाँ पर होगा, 1 0 1 0 होता रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टगल मोड। तो यहाँ पर क्या आ गया, टगल मोड।
तो टगल जो होता है वही काउंटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी पे काउंटर बनता है। तो ये हमारा टी फ्लिप फ्लॉप का क्या था, टी फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग, इसका ट्रूथ टेबल, इसका डायग्राम। अब इसके हेल्प से हमें क्या बनाना है, काउंटर। तो काउंटर बनाने के लिए इसका हम ब्लॉक डायग्राम बना लेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए इस क्लॉक को हम थोड़ा सा एडजस्ट करके बाहर निकाल लेंगे, सी एल के, इस टी को भी इधर लिख लेते हैं टी, और अब इसको एक ब्लॉक डायग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। तो इसका जो ब्लॉक डायग्राम है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, इसको हम 180 रोटेट करके बना रहे हैं। तो ये इधर हो गया क्यू, एन क्यू एंड डी, ये क्लॉक, क्लॉक एंड टी, ये हमारा ब्लॉक डायग्राम बन गया। इसको बोलेंगे हम टी एफ एफ। ये टी एफ एफ का ब्लॉक डायग्राम है जिसको हमें यूज करके क्या बनाना है, 4-bit काउंटर। तो आगे हम देखते हैं 4-bit काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं 4-bit काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। तो हमारा जो टी फ्लिप फ्लॉप का ये ब्लॉक डायग्राम था, इसको हमने चेंज कर लिया, क्लॉक नीचे टी ऊपर कर दिया, जिससे बनाने में थोड़ा सा हमें आसानी होगा। तो ये टी फ्लिप फ्लॉप जिसका आउटपुट क्यू एंड एन क्यू एंड इनपुट टी एंड क्लॉक। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 ब्लॉक बनाया है टी फ्लिप फ्लॉप का, और टी सब में जा रहा है एक साथ, जो ये है हमारा टी, टी सब में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी सब सारे मतलब ब्लॉक्स में हमारा टी इनपुट जा रहा है। यहाँ पर हमने क्लॉक इनपुट डाला है, और इसका जो क्यू वन है वो इसका क्लॉक बन रहा है, इसका क्यू जीरो इसका क्लॉक बन रहा है, क्यू वन इसका जो आउटपुट है इसका क्लॉक बन रहा है, क्यू टू जो इसका थर्ड वाले का आउटपुट है, ये फोर्थ वाले का क्या बन रहा है, इनपुट बन रहा है और क्लॉक में जा रहा है। और यहाँ से 2 आउटपुट हमारे पास आ रहे हैं, क्यू थ्री एंड एन क्यू थ्री। तो ये सेम डायग्राम जैसे हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप का था, सेम वही डायग्राम है, केवल टी को क्या किया गया है, जे एंड के को कनेक्ट करके एक पॉइंट बना दिया गया है टी। तो एक यहाँ पर एक पॉइंट केवल कम हो गया है, वहाँ जे एंड के दोनों में 1 पुट करते थे काउंटर के लिए, यहाँ केवल टी में पुट करेंगे 1, तो वो दोनों जगह पर 1-1 आ जाएगा। डायग्राम सब कुछ सेम है, केवल थोड़ा सा लिखने का मेथड अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग इसका प्रोग्राम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे मॉड्यूल, देन मॉड्यूल नेम ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप, तो उसको हमने लिखा था टी एफ एफ, देन क्यू एन क्यू टी क्लॉक, जेके में यहाँ जेके आया था, जेके की जगह पर केवल टी आ जाएगा इसमें, देन आउटपुट क्यू क्यू एंड इन क्यू कितने बिट का है, 4-bit, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसको 3 down to 0, क्यू एंड इन क्यू इनपुट टी एंड क्लॉक, 2 हमारे पास इनपुट हैं। इसके बाद इसको हमें वायर भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू को, तो वायर इसको डिफाइन करेंगे, वायर 3 down to 0, तो हमारा काम तो लग रहा है 0, 1, 2, लेकिन 2 down to 0 नहीं डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसको एक बार यहाँ हम 3 down to 0 डिफाइन कर चुके हैं, तो यहाँ हम 3 down to 0 ही इसको डिफाइन करेंगे क्यू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका लेबलिंग कर देना है। तो ये हो गया हमारा L0, L1, L2, L3। अब इसको हमें इसके मॉड्यूल नेम से कॉल करना है, तो इसका मॉड्यूल नेम क्या था, 1 मिनट, यहाँ हमारा काउंटर का मॉड्यूल नेम आएगा, इसको थोड़ा सा सही करते हैं, ये हमने जेके फ्लिप फ्लॉप का मॉड्यूल नेम लिख लिया है, मॉड्यूल काउंटर 4-bit यूजिंग जे एफ एफ यूजिंग टी एफ एफ। तो यहाँ टी एफ एफ लिख ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम टी एफ एफ को कॉल करके बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसका मॉड्यूल नेम कॉल करेंगे, इसको लिखना या ना लिखना जरूरी नहीं है, 4-bit का काउंटर हमारा आएगा। तो यहाँ पर हम मॉड्यूल नेम किसका कॉल करेंगे, टी एफ एफ का, टी फ्लिप फ्लॉप का, जिसका हमने मॉड्यूल नेम का नाम भी टी एफ एफ दिया था, एंड एल जीरो, देन इसका आउटपुट क्यू जीरो एन क्यू जीरो एंड इनपुट टी एंड क्लॉक।
फिर सेकेंड वाले ब्लॉक को कॉल करेंगे टी एफ एफ एल वन क्यू वन एन क्यू वन टी टी सब में जा रहा है एंड क्लॉक अब क्या आ जाएगा क्यू जीरो सेम जैसे जेके में था सेम वैसे ये प्रोग्राम टी एफ एफ एल टू क्यू टू एन क्यू टू टी क्यू वन टी एफ एफ एल थ्री क्यू थ्री एन क्यू थ्री टी एंड क्यू टू तो ये हमारा प्रोग्राम ओवर हो गया। यहाँ पर हमारा क्यू टू इसका इनपुट बन रहा है। इसके बाद एंड मॉड्यूल तो ये हमारा 4-bit काउंटर का प्रोग्राम हो गया। तो इसको हमें रन कैसे करना है ये हमारा सिमुलेशन एंड कंपाइल एंड सिमुलेशन का आपको वीडियो देखना पड़ेगा, वहाँ से पता चल जाएगा रन कैसे करना पड़ रहा है। यहाँ मैं एक बार थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो इसमें जब आप रन करोगे फर्स्ट टाइम तो ये इनिशियल जो हमने 0 एंड 1 डिफाइन किया है तो ये जो हमारा Q3, Q2, Q1, Q0 ये जो हमारा है ये 0000 आ जाएगा एंड NQ3, NQ2, NQ1, NQ0 ये आ जाएगा 1111। तो ये एक अप काउंट करेगा तो ये 0001 होगा, ये डाउन काउंट करेगा तो ये 1110 हो जाएगा। ऐसे ही ये 0 से 1 हो रहा है, ये 15 से 14 हो रहा है, ऐसे ही ये 2 होगा फिर ये 13 होगा। तो 1 by 1 आगे काउंट करता जाएगा, कहाँ तक 4 बिट का है तो 16 तक 0 to 15 काउंट करेगा, मतलब 16 क्वांटिटी। उसके बाद फिर से ये 16 के बाद क्या हो 15 के बाद क्या हो जाएगा 0 एंड ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये 15 हो जाएगा और फिर से आगे वैल्यू रिपीट होती रहेगी जब तक आप काउंट करोगे। तो इस टाइप से हमारा ये काउंटर है 4-bit काउंटर यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। तो यहाँ पर हमारा काउंटर पार्ट मतलब जे फ्लिप फ्लॉप पार्ट ओवर होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, शायद अभी हम बात करेंगे मल्टीप्लायर एंड एडर का, जैसे ब्राउन एरे मल्टीप्लायर लुक कैरी लुक हेड एडर इन सब एडर का बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे हम मेमोरी और मेमोरी का पार्ट आगे फिर देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये बेनिफिशियल लगता है, आपका हेल्प है इस लेक्चर से, तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।